दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैंकों में केवाईसी के नियम बदल चुके हैं। केवाईसी कराने अगर आप जाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या पैन कार्ड, लेकिन अगर आप जाएंगे इस समय बैंक में तो आपको सीधे कहा जाएगा कि आप जो है सी केवाईसी करा के आइए। तो सी केवाईसी क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। सी केवाईसी समझने के लिए पहले उसका पूरा नाम आपको पता होनी चाहिए। सी का मतलब हुआ सेंटर, केवाईसी का मतलब हुआ नो योर कस्टमर। सी केवाईसी जो है पूरे 14 डिजिट का होता है, इसमें आपका पूरा डिटेल दिया रहता है। सी केवाईसी जनरेट करने के लिए आपको CSP जाना पड़ सकता है या नहीं तो आप बैंक जा सकते हैं जहाँ पे आपने खाता खुलाया है। सी केवाईसी को जनरेट करवाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ है खाते में जो आपके आधार कार्ड में, वो दोनों में मैच करना चाहिए। इसके बाद आपको जो एक फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, इसके बाद जो आपका सी केवाईसी जनरेट हो जाएगा जो कि 14 नंबर का आपका सी केवाईसी दिया जाता है। और सी केवाईसी कराने से ये फायदा होता है, जब भी कभी भी बैंक रिक्वायरमेंट करती है कि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, तो आपको जो है बार बार डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सी केवाईसी का जो है 14 डिजिट का नंबर तैयार हो जाता है। ये कहीं भी कभी भी किसी भी बैंक में आप जो है केवाईसी के तौर पे सी केवाईसी का 14 नंबर का पूरा डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आप केवाईसी करा सकते हैं। अगर किसी बैंक में खाता भी खुलाते हैं तो आपका सी केवाईसी के जरिए उस बैंक में आपका केवाईसी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सी केवाईसी हो जाएगा।